ले जी आज हम शुरू कर रहे हैं वी स्टडी द ग्रीक्स अब पहला सवाल ये पैदा होगा आपके जहन के अंदर सर व्हाई द ग्रीक्स व्हाई नॉट स्टार्ट विद लेट्स से इस्लाम या फिर हम अगर क्योंकि साउथ एशिया में हैं तो फिर हिंदुजम से क्यों ना शुरू किया जाए अगर हमने पुराने जमाने में जाना है या फिर अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही देखना है तो ग्रीक्स की अपनी बुनियादें जो हैं वो इजिप्शियंस और बेबीलोनियंस में हैं

तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है उनका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है उनका फुटप्रिंट जो है वो अपनी तारीख वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तारीख यहां ट्रेस करते हैं से से ट्रेस करते हैं, ग्रीक से ट्रेस करते करते हैं हैं एंशियंट ग्रीक तो लिहाजा क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस उनका फुटप्रिंट हेजेमोनिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो जब तक हम हेजेमोनिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे नहीं उसको चैलेंज भी नहीं कर सकेंगे सो so इसलिए जो कुछ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इस नुकता नजर से इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये बिल्कुल सब कुछ दुरुस्त है इनफैक्ट यू शुड कीप अ क्रिटिकल माइंड अबाउट एवरीथिंग दैट यू स्टडी इन दिस कोर्स but just to tell you that this is you know how uh, uh, classically western civilization has framed its own intellectual development and how it has traced its own modern democracy all the way back to the greeks so we are going to look at herodotus and we are going to look at the work of thucydides two great historians both of whom can be credited with being the really the fathers of history itself हिस्ट्री डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ पे मेरा ख्याल नहीं है मगर अगर आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई कोर्स वगैरह लेंगे तो नो डाउट इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर लिया जाएगा आप गौर करें कि कितनी सारी चीज़ें जिनके हवाले से हम बात करते हैं वो ग्रीक हम ग्रीक जबान बोल रहे हैं वैसे तो हम उर्दू बोल रहे हैं अंग्रेजी बोल रहे हैं मगर जो टर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने ग्रीक से लिए हैं मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का लफ्स हमारे पॉलिटिकल साइंस जी ये डिपार्टमेंट है जी हम पॉलिटिक्स ऑफ लानी चीज वगैरह वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये टर्म जो है ये ग्रीक्स ने बनाई है जो अरब्स की टर्म थी वो तो थी सियासत जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और सियासत का मतलब है कि घोड़े पालना घोड़ों को हॉर्स ट्रेडिंग का सुना ना आपने तो जो जिस तरह को घोड़े पालता है उस तरह को सियासत करते हैं जिस तरह घोड़ों को, को पालना मतलब दे आर वेरी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ वट वी कॉल पॉलिटिक्स फिर डेमोक्रेसी हर बंदा ये टर्म यूज़ करता है एरिस्टोक्रेसी टिरनी ओले गार्की वगैरह मतलब है पॉलिटिकल साइंस भरी हुई है उन टर्म्स के साथ जो कि ग्रीक्स ने जिनको दरियाफ्त किया ऐाद किया और हम उनको आम फैम इस्तेमाल करते हैं उर्दू जबान में भी अंग्रेजी जबान में भी वो हमारे मैथ डिस्कोर्स का हिस्सा है अगर आप इनफैक्ट टी वी भी लगा लेंगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें ये तस्वर जमहूरियत वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ग्रीक्स कहते हैं अपने बारे में ये कहते थे कि हमारा एक आइडियल है हमारा एक पोलिटिकल आइडियल है और वो आइडियल है फ्रीडम इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट अब आप थोड़े से हैरान होंगे इसमें क्या तजब की बात है इसमें क्या औखी बात है इसमें क्या अजीब बात है इसमें क्या नई बात है ये तो हमारा भी कॉन्सेप्ट है बट द फैक्ट कि आप ये तस्वर तो करें कि हमारा भी कॉन्सेप्ट है मीन्स कि इनफैक्ट यू आर स्पीकिंग ग्रीक ऑलरेडी बिकॉज अगर आप गौर करें जो पुराने मडिवल से एम्पायर्स थे या स्टेट्स थी या रियासतें थी जहाँ पे Um, जहां पे रिलीजियस थियोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट्स, तो वहां पे वो प्रायोरिटी इन चीजों को नहीं देते थे किन चीजों को फ्रीडम इंडिपेंडेंस सेल्फ गवर्नमेंट नॉट एट ऑल उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि खुदा का एक कानून है उसके आपने करीब होना है आपको लगे ये फ्रीडम है कि नहीं है कॉन्ट्रोडिक्शन आइडियाज it, पोलिस फ्रॉम द ये एक ऐसा लफ्स है जिससे वो लफ्स निकलता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स। पोलिस एक खास किस्म का शहर था जो के कॉमन इरा दिस इज द सेम एज बी सी बिफोर क्राइस्ट अंटल द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ग्रीक वर्ल्ड इन द मिडल ऑफ द फोर्थ सेंचुरी बाई फिलिप ऑफ मैसेडॉन एंड सन एलेग्जेंडर द ग्रेट यानी पोलिस का जो पीरियड था वो सिक्स हंड्रेड बी सी में शुरू होता है

तो बहुत डिफरेंट किस्म की दुनिया थी आज की दुनिया से मगर देखें ओल्ड वर्ड्स पुराने अल्फाज जो हैं वो किस तरह नई दुनिया के अंदर भी अपनी अपनी एक स्पेस बनाते हैं और असरअंदाज होते हैं दिलचस्प किस्म की बात है वो एक फेमस फिलोसोफर ने ये कहा था कि जब हमने कोई नई चीज़ भी बनानी होती है ना टोटली नई चीज़ बनानी होती है तो जिन अल्फाज में हम उन नई चीज़ को बनाते हैं वो अल्फाज फिर भी पुराने ही होते हैं ये बड़ी पते की बात है और कभी कभार क्योंकि वो अल्फाज पुराने होते हैं उनका अपना असर भी होता है उस नई चीज पे जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। so, at तो है, 600 बीसी ई से ही हो चुके थे। so, वहां की एक एग्जाम्पल देते हैं कि मर्देंड फ्री नेटिव इनहेबिटेंट्स एंड थ्री हंड्रेड थाउजेंड इनैबिटेंट्स इन ऑल इंक्लूडिंग स्लेव्स तो गुलामों की तादाद जो है वो बहुत बड़ी तादाद थी मगर जो अहमियत रखते थे वो वो थे जो कि आजाद थे और जो मर्द थे सॉरी टू टेल ऑल और एरिया किलोमीटर ऑफ द पीपल पीपल्टी फाइव परसेंट लिव्ड इन रूरल एरिया तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 240 मिलियन लोगों की बात मतलब स्केल आज की दुनिया का जो स्केल है और रियासतों का जो स्केल है कोई मुकाबला ही नहीं उस जमाने के के हवाले से ग्रीक्स का यह कहना था कि हम बड़े चीते हैं ये देखो चीता ठीक है और परजियंस जो है वो बड़े खराब हैं ये पर्जियन है है नहीं वैसे एक्टर है आपको पता है ये एक बड़ी बेहुदा किस्म की मूवी है जिसका नाम है थ्री हंड्रेड किसी ने ये फिल्म देखी है अच्छा मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो शायद ये वाहिद मूवी है जिसमें मुझे उल्टी आनी शुरू हो गई थी नौजिया होना शुरू हो गया था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी तरह सिनेमा हॉल से बाहर निकलू मैं लंदन में था जब मैंने फिल्म देखी मैं यार भागो यहां से देख ही नहीं जा रही मैंने अपनी बीवी से कहा यार वी वी हैव टू गेट आउट ऑफ द सिनेमा टेक तो लेफ्ट पूरी नहीं थी देखी गई विच बाय दू नो मी इज लाइक यूनिक बिकॉज गंदी से फजूल से बोरिंग से बोरिंग फिल्म होगी ना मैंने वो भी आखिर तक देखनी होती है मगर ये मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुई इतनी बुरी फिल्म बताता हूँ बाद में क्यों तो ग्रीक्स का अपना ये दावा था जो इस फिल्म के अंदर आपको बड़ी जेजुरेटेड फॉर्म में मिलेगा एंड मे बी इट विल कम्प्लीटली लाइक यू नो थ्रो यू ऑफ और मे बी यू से ये असल बात है आई डोंट नो विच इज विच बट बरअल उनका ये अंदाजा था कि वी आर गवर्न बाय पॉलिटिक्स लिख लो ये प्लीज बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वी आर गवर्न बाय पॉलिटिक्स विच इंक्लूड द रूल ऑफ लॉ एंड सेल्फ गवर्निंग सिटीज हम आजाद हैं दिस इज पठा वी आर फ्री टाइप ऑफ थिंग और जो दूसरे हैं पर्शंस दे आर गवर्न बाय किंग्स एंड डिवाइन राइट ठीक है वो सारे गुलाम हैं सिवाय एक बंदे के और वो बंदा है जो उनका बादशाह है बादशाह आजाद है और बाकी सब उसके नीचे जो हैं वो गुलाम है ये ग्रीक्स का कहना है मेरा नहीं कहना ठीक है ये ग्रीक्स का कहना है बाकी सब गुलाम है सो so, जो पर, जो पर्शियन किंग था उसने ये पूछा हेरोडोटस हमें बताता है कि मेरी इतनी बड़ी फौज है जिसकी हद हाँ साहब कोई नहीं जब हमारी फौज तीर चलाती है तो पूरा आसमान जो है वो काला हो जाता है इतनी बड़ी मेरी फौज है तो ग्रीक्स कैसे करेंगे ग्रीक्स की इतनी बड़ी फौज नहीं थी पर्शिया का जो ईरान अब ईरान मॉडर्न डे ईरान का जो बादशाह था उसका नाम भी था शहनशाह यानी कि बादशाहों का बादशाह ठीक है और वाकई ये बात दुरुस्त थी क्योंकि जो पर्शियन एम्पायर था उस पीरियड का वो सिर्फ ईरान पर मुश्मल नहीं था बल्कि वो उस वक्त उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर एम्पायर था उस जमाने में इनफैक्ट सबसे बड़ा एम्पायर वो था और उसमें कई नेशनैलिटीज के लोग रहते थे और कई किंग्स थे उसके अंदर और जो शहनशाह था उन सारे किंगडम्स का किंग था तो बह ग्रीक्स ने ये सबसे पहले बात इजाद की कि ये जो ईस्ट में लोग रहते हैं ना ये बड़े डिस्पोटिक किस्म के लोग हैं ये गुलामी पैदा करते हैं ये इनकी स्लेव मैंटेलिटी है ये कभी आपने बात सुनी पाकिस्तानी जब मैं ट्विटर पे कहता हूँ कि यार हमें ये कर लेना चाहिए पाकिस्तान इस तरह आज़ाद हो जाएगा तो लोग मुझे कहते हैं सर की गलनाक कर रहे हो हमारी तो मैंटेलिटी ही स्लेव मैंटेलिटी हम आज़ाद हो ही नहीं सकते तो मैं चुप हो जाता हूँ अक्सर वेशतर मगर ये तसवर के ये जो ईस्ट के लोग हैं इनकी मैंटेलिटी ही स्लेव मैंटेलिटी है ये सबसे पहले तस्वर शायद हमें ग्रीक्स में ही मिलता है कम से कम जो रिटर्न हिस्ट्री है उसमें हमें हिरोडिटस की शक्ल में यह तो सब्र मिलता है कि जो ईस्ट के लोग हैं आप लोगों को गुलामी पसंद है ठीक है आप लोगों में से एक ही बंदा होता है जो आजाद है तो बहरहाल जब पर्शियन बादशाह ने यह पूछा कि ग्रीक्स के पास तो छोटी सी फौज है वो हमारे क्या बिगाड़ लेंगे तो जवाब उसको यह मिला कि दे आर फ्री यस उसने बादशाह ने यह कहा वो तो इतने आजाद सोच के हैं कि वो तो ऑर्गेनाइज ही नहीं हो सकेंगे

So, the Greeks were were said to be citizens, not slaves. But were they truly free? क्या ये बात दुरुस्त है उस जमाने के अंदर तो हेरॉरिट्स ने ये बात लिख दी मगर क्या ये दुरुस्त है बात देखिये जी ग्रीक्स में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एक खातून एक औरत पैदा हो जाए तो आपके कोई हकूक नहीं थे were the, probably, the Athenians etc. Probably the most patriarchal people in that period of history. इंतहाई पेट्री आर किस्म के लोग थे और ये जो लफ्स है, है, है।, so so है और दूसरा गुलामों के बिल्कुल किसी किस्म के कोई हकूक नहीं थे गुलाम में, गुलामों में वो लोग भी सारे लोग शामिल थे जो कि एथनिक ग्रीक नहीं थे तो इफ़ यू आर नॉट बोर्न अ ग्रीक नो राइट्स वॉट सो यू आर गोइंग टू बी स्लेव और अक्सरियत जो पॉपुलेशन थी ग्रीक्स में वो ऑब्वियसली 50 परसेंट तो वैसी खातन हो गई तो वो तो डिस होगी और बाकी जो है वो बहुत सारे गुलाम हो गए वो भी डिस तो जो, जो कहते थे हम, हम तो फ्रीडम लविंग है तो उसकी हकीकत ये है ठीक है ऑलरेडी आपको बात पता चल गई फिर एक तरफ तो एथेंस था दूसरी तरफ स्पाटा जैसे कंट्रीज थी

बट स्पाटन ये वो करते रहते हैं ना इवन वो जो गेम है हेलो उसमें जो हीरो है उसका नाम भी मेरा ख्याल है स्पार्टन है या कुछ ऐसे ही नाम है ना हेलो के कोई फैन नहीं है पे खैर तो बट दे वर टू देखो वो हर साल दो तीन साल बाद वो कहते थे इनको बंदे शे पकड़ो और वैसे ही मार दो वैसे ही मार दो ताकि इनके अंदर खौफ पैदा हो कि हमारे खिलाफ कभी आपने बगावत नहीं करनी अगर बगावत करने का सोचा भी तो ऐसे ब्रूटली आपको हम क्रश करेंगे जिसकी हादिस आपको

रियासत नहीं थी हर सिटी की अपनी गवर्नमेंट uh, uh, थी तो जितने छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना उधर सारे कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के लाओ तो वो हंड्रेड एंड फिफ्टी एट कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के लाए फिर उन्होंने टेबल पे रखे और उन्होंने बैठ के उनको पढ़ना शुरू किया पढ़ने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये जानना चाहते थे समझना चाहते थे नॉट ओनली वॉज रियली ग्रेट एक्सपेरिमेंट और रिसर्च इन पॉलिटिक्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बट एट द सेम टाइम दे टू अंडरस्टैंड वट आर दरिजिन

शुरू में डेवलप ही अराउंड दिस वॉल्स हुई है जहाँ पे दीवारें जब पैदा हुई तो जो पेस्ट्रिस नोमैडिक हंटर टाइप लोग थे उनसे जब प्रोटेक्शन मिली तो उसके उसके वहाँ पे फिर शहर पहले आबाद हुए एंड एट दैट टाइम द वर्ड सिविलाइजेशन वॉज सिनोनमस विद सिटी लाइफ अर्बन लाइफ अच्छा अब अगर इसके ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि स्पार्टन वो लव द मिलिट्री दे वर ऑलवेज बचपन से अपने बच्चों को और लड़कों को इवन लड़कियों को इस मामले में वो थोड़े ज्यादा आप कह लें कि प्रो वमेन थे वो कहते थे कि बचपन से हमने इनको ट्रेन करना है टू तो बी हार्डी एंड टू तो बी रियली रियली स्ट्रांग तो वो पाँच छः साल की उम्र से उनको शुरू करा देते थे डंड कराना और यू you नो know, लड़ा लड़ाई करवाना और ये सारी चीजें ताकि वो बिल्कुल बड़े टफ किस्म के वॉरियर्स बने एक और दिलचस्प बात आपको ये बताता हूँ उस जमाने के अंदर अभी रिसेंटली नाइनटीन टवेंटी सेंचुरी तक जो मेल वॉरियर्स होते थे थ्रू आउट मोस्टली थ्रू आउट हिस्ट्री उस मेलनेस की आप बड़े शौक होंगे ये बात के सारे मर्द शौक होंगे उस जमाने में टू बी अ पावरफुल मेल दैट यू टू हैव लॉन्ग हेयर क्या ये बात जानते थे आप बता दें बात जी हाँ उस जमाने में यू हैव अब कभी आप रेड इंडियंस को देखें जो उनके वॉरियर्स हैं हमेशा लंबे पाल जो स्पार्टन वॉरियर्स थे लंबे पाल जो मुस्लिम वॉरियर्स थे लंबे बाल छोटे नहीं होते थे so, uh, 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 आप कई जगह ये चीज तलाश कर सकते हैं आपको मिल जाएगी लाइक like लाइक like लंबे खूबसूरत बाल होने चाहिए एंड इट वाज अ साइन ऑफ हेयर शॉक हो गए मुझे पता है परेशान नहीं होना फिर उसके सिविलाइजेशन दैट स्टार्टेड हेयर वाला मामला वो द रोम रोमस ने कहा नहीं नहीं जब लंबे बाल होते हैं ना तो जब लड़ाई होती है ना तो वो बालों से पकड़ के जो है ना वो मारते हैं तो उसने फिर इस तरह के बाल काटने शुरू किए कहा छोटे से छोटे बाल काट दो ताकि कोई हाथ में ना आ सके बाल लड़ाई के बाद अच्छा फिर भी दाढ़ी रखना बड़ा खूबसूरत समझा जाता फिर जब नाइनटीन जब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो गैस मास्क दाढ़ी तो आ, आज भी लोग कहते हैं जी मैस्कुलिनिटी का साइन है तो वो जो गैस मास्क पहनते थे तो दाढ़ी के ऊपर गैस पहनते थे तो वो गैस जो है तो, वो वो तो फिर जो वर्ल्ड थी जब मस्टर्ड गैस वगैरह होती थी तो उन्होंने रेगुलेशन पास की दाढ़ी उड़ा दा तो हर सोल्जर की फिर उन्होंने दाढ़ी उड़ा दी जब उन्होंने दाढ़ी उड़ा दी तो सोल्जर्स ने ये कहाट तो हो गए तो फिर उन्होंने कहा मुझ नहीं थे नहीं। उन्होंने फिर मुझे रखनी शुरू की और यह कहा कि जो जो है ना, वो का, की निशानी। है। और ब्रिटिश आर्मी थी थी, पे इंडिया में, में में उस क्योंकि उसकी पंजाब में बड़ी थी, तो पंजाब बड़ी रिक्रूटमेंट तो फिर नहीं थे, कुछ साइन ऑफ ट्रू मैस्कुलिनिटी बट हाउ इंटरेस्टिंग टू नो देशनिटी इट से स्पार्टन्स जो थे वो भी अपने आप को बड़े मैस्कुलिन समझते थे और मैस्कुलिनिटी को बड़ा अप्रिशिएट करते थे और बड़ा उसे प्यार करते थे और दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी रखते थे और बाल बड़े लंबे लंबे और वगैरह और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि ये जो शलवार मैंने पहनी हुई है ये परजन ड्रेस था वो जो सारे थे मैस्कुलिन किस्म के स्पाटन और अथीनियंस वो फ्रॉक पहना करते थे जी हाँ स्कर्ट पहना करते थे जिस तरह स्कॉटिश का आपने सुना होगा कि वो भी स्कर्ट्स पहनते हैं और वो उनके लिए ठीक था इनफैक्ट अगर कोई ग्रीक बंदा शलवार पहन ले या पतलून पहन ले जिसकी दो टांगे हो वो कहते थे कि कुड़िया वाला नवास पाया हुआ है ये क्या तुम इमेस्कुलेट हो गए हो सीरियसली अच्छा वाई डिड द इन्वेंट दिस ड्रेस जिसमें दो टांगे थी डज दी बडी नो क्योंकि के पास थे घोड़े और वो घोड़ा सवारी किया करते थे और घोड़ों को जब आपने ग्रिप करना है अपनी टांगों से तो आप फ्रॉक नहीं पहन सकते वो यहां तक चढ़ जाएगा नॉट ओनली दैट आपकी टांग को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी बिकॉज यू हैव टू ग्रिप द हॉर्स विद योर लेग्स उस जमाने में सैडल हो ना हो वगैरह वगैरह कई सारी मुख्तल चीजें थी सैडल्स तो बहुत बाद में बनी यू हैव टू ग्रिप द हॉर्स विद योर लेग्स सो वो ऑब्वियसली घोड़ा इतनी तेज जा रहा है आपने ग्रिप करना है सो अ टू लेगेड ट्राउजर वुड गिव यू सम प्रोटेक्शन इट वुड यू नो हेल्प योर स्किन एक्सेट्रा

अच्छा स्पार्टन्स ये कहते थे हमने को दीवारें नहीं बनानी हम मैस्कुलिन लोग हैं हमारा हम हमने सिटी uh, के लिए दीवारें नहीं बनानी वो दीवारें नहीं बनाते थे वो कहते थे हमारा हर बंदा जो है वो ईंट है हमें दीवारों की जरूरत ही नहीं टक्कर लेकर देखो हो गया कहता है तुम्हारे साथ तो उनका ये अजीबोगरीब किस्म का कांसेप्ट है इट वर्क फॉर अ व्हाइल फॉर क्वाइट लॉन्ग व्हाइल बट नॉट ऑलवेज सो दे से नो प्रोटेक्टिव वॉल्स देयर आर्मी वाज देयर वॉल एंड एवरी मैन वाज अ ब्रिक अच्छा दूसरा तरीका ये था पॉलिटिकल अ ग्रुप ऑफ पीपल अग्री टू लिव अंडर वन अथॉरिटी विद अ विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ अ वर्ल्ड सिटी एंड एथेंस फॉर एग्जांपल हैड अ एग्जाम्पल्ड सिटी बट इट इट्स जिस तरह से वो इकट्ठा हुआ वी कैन कंसीडर दैट अ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड देयर इज मेनी मिक्सचर्स ऑफ द टू एज वेल ऑब्वियसली तो एथेंस ने, ने नेवी बनाई जो बहुत ही जरूरी थी उसके लिए उस नेवी के अंदर जो ग्रीक्स थे जो फ्री ग्रीक्स थे उसके रोअर्स थे और उसके सोल्जर्स थे क्योंकि वो नेवी के लिए बड़े ही अहम थे उसके बगैर कश्ती किस चलेगी तो एथेंस ने ये फैसला किया कि इन फ्री ग्रीक्स को जो नेवी में है इनको भी हम थोड़े बहुत हकूक देंगे तो फिर बेहतर हमारी पॉलिटिकल सॉलिडारिटी बनेगी हम बेहतर लड़ सकेंगे तो इसलिए उन्होंने एक अमेंडमेंट की चेंज किया और नई किस्म की एक निजाम को पैदा किया जिसका उन्होंने नाम दिया डेमोक्रेसी डेमो का मतलब है द पीपल क्रेसी का मतलब हुआ रूल रूल बाय द पीपल

तो इस तरह करके एथेंस का सिस्टम जो है वो चेंज हो गया और ये उसका एक सिंबॉलिक मैंने तस्वीर डाली हुई है मगर देर वॉज नो क्वेश्चन जो फ्री सिटीजन है और गुलाम है उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन इंटरचेंज वगैरह हो नॉट ऑल मिसाल के तौर पे गुलामों से शादी कर, करने का तस्वीर ही कोई नहीं हो ही नहीं सकती के कोई फ्री ग्रीक जो है कि गुलाम से शादी कर रही हो या ऐसी कोई बात अस्लेव एंड चिल्ड्रन ऑफ सच एन इन यूनियन

और शॉकिंग सबसे शॉकिंग बात मैंने आप ऑलरेडी आपको बताया कि ग्रीक बड़ा ग्रीक्स बड़ी ग्रे पेट्रियार्कल सोसाइटी ये नई शॉकिंग बात हाई स्टेटस एथीनियन वुमेन वर वेल्ड इन पब्लिक दे वर गुड मुस्लिम्स यस दे यूज्ड टू वेयर एज यू कैन सी ओवर हियर अ हिज प्रॉपर निकाब कभी आपने ये बात पहले सुनी अपनी जिंदगी में शौक नहीं हो गए गिलास पानी की जरूरत है जी हां

किसी ग्रीक यू नो पावरफुल मर्द को दे देते थे, थे कि ये आपके नीचे काम करेगा जैसे मर्जी काम कराएं आप इससे और आप इसको जो है ना बड़ा करें और इसको अपनी टेक हिम अंडर यू बिइंग थिंग एंड दैट रिलेशनशिप कुड बी नॉन सेक्शुअल बट इट कुड ऑल्सो बिकम सेक्शुअल बट नो बडी सीम टू से ये बड़ी गलत चीज़ हो रही सो दैट वॉज द स्ट्रेंज ट्रेडिशन अमंगस द ग्रीक्स अच्छा जी हाउ डिड द गवन दमसल्स सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने एक चीज बनाई कॉल द्लीजिया विच इज बेसिकली वर्ड फॉर असेंबली उन्होंने एक असेंबली बनाई असेंम एक ही असेंबली थी जो लेजिस्लेचर भी थी जो जुडिशियरी भी थी जो एग्जीक्यूटिव भी थी उसी ने सारा काम करना था और जो वो फैसला कर ले उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती थी और अगर आप उस के सामने अपना केस लेके जाते हैं असेंबली के सामने या जो भी तो आप किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं यूज करते मिसाल तौर तो पे आप वकील नहीं करा सकते कि जी स्टेट मुझे वकील करके दे और अगर आप प्रोसिक्यूशन में कामयाब हो जाते हैं और किसी को फाइन हो जाता है तो आपको उसमें से फायदा होना था क्योंकि आप ही जो थे लेजिस्लेट आप ही जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे थे तो फाइंस जो है वो आप ही को मिलते थे तो इस वजह से ग्रीक्स जो है ना वो हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ केसेस ही कर रहे होते थे जिस तरह लॉ डिपार्टमेंट में होते रहते हैं सॉरी नहीं नहीं नहीं, नहीं <laughs> <laughs> तो ये भी एक दिलचस्प किस्म की बात है ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आगे ट्रायल ऑफ सॉक्रेटीज होगा तो आपको समझ आएगी कि सोक्रेटीज का ट्रायल जो हुआ वो इस तरह से क्यों हुआ जिस तरह से हुआ तो उनके बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के प्रोसीजर्स थे मगर दैट इज हाउ दे बट द एक्चुअल गवर्नमेंट नॉट ऑपरेट थ्रू सच बिग असेंबली देन क्रिएट स्मॉलर बॉडीज ऑफ जो कि पांच सौ बॉडीज होती थी ठीक है एंड ये गवर्निंग काउंसिल भी उनका जिसको बोल कहते हैं वो भी पांच सौ मेंबर्स का था और उसके ऊपर भी एक थर्टी स्ट्रॉग बॉडी मेंबर्स फ्रॉम द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द बॉल फॉर

तो इसलिए लॉटरी लगेगी सब जो है सदर बनेंगे किसी ना किसी एक दिन के लिए आ, हमारी रियासत की तो आइडिया ये था कि हर सिटीजन जो है ना को किसी ना किसी हवाले से हमने रूलर ही बनाना है तो उनकी जो ट्राइब्स थी कॉल डेमीज विलेजेस वो दस थी तो मिसाल के तौर पे ईच ट्राइब को ये दस ट्राइब्स हैं ठीक है हर ट्राइब ने पचास बंदे देने हैं टू एनी गिवन काउंसिल सो मिसाल तौर पर अगर जुडिशल जुडिशरी है तो हर ट्राइब जो है ना पचास बंदे देगी जुडिशरी को दस ट्राइब में कितने बंदे हो गए पांच सौ तो जब किसी का ट्रायल होगा तो कितने लोग वहां बैठे होंगे जो जो के जज करेंगे ट्रायल को 500. जी हां। अब तो वो कहते हैं ना बारह ट्रायल बाय जूरी है उधर पांच सौ बंदे बैठते थे वो जज करते थे वोट डालते थे पांच सौ लोग तो उनके जो ट्रायल्स होते थे वो एक किस्म के मजमे होते थे इमेजिन करो यहां पे सिर्फ चालीस पचास लोग बैठे हैं पांच सौ लोग बैठे हो और एक तरह से वो कह रहा हो तुमने मेरी गाय चोरी की है और वो कह रहा है मैंने नहीं चोरी की और वहां पे फैसला होगा और उस 500 लोगों में हर ट्राइब के 50-50 लोग बैठे इस तरह वो ट्रायल होते थे कैसी अजीब किस्म की बात तो ये अगेन बाय लॉटरी होता था टर्म उनकी एक साल की होती थी और वही टेन ट्राइब जो है वो एक एक जर्नैल भी देती थी हर ट्राइब एक जर्नैल देगी तो ओवरऑल उनकी सिटी के दस जनरल तो उनके मुख्तलिफ दस जनरल्स थे जो कि

इट कुड डिसाइड के हमने कुछ भी फैसला करना हो आपकी प्राइवेट लाइफ किससे शादी करनी है फैसला कर सकते कितनी उम्र पे शादी करनी है ये भी वो फैसला कर सकते कितने बच्चे पैदा करने हैं ये भी वो फैसला कर आपकी हर पब्लिक प्राइवेट मामले में वो फैसला कर सकते थे उनकी कंप्लीट जो रिस्ट्रिक्शन थी कोई चीज़ में ये नहीं कह सकते तो मेरा निजी मामला है कहते थे कोई निजी निजी, निजी कोई नहीं अच्छा तो ऐसी सिचुएशन में जो बंदा अच्छी तकरीर कर सके वो लोगों को स्वे कर सकता था पब्लिक को स्वे कर सकता था ऐसे लोग जो कि अच्छी तकरीर कर सकते थे और पब्लिक को आम लोगों को गरीबों को गरीब तो नहीं थे वो खरीदने गुलाम तो नहीं थे मगर जो फ्री एथिनियन सिटीजन थे उनको अगर आप स्वे कर लें एक तो एरिस्टोक्रेसी है ना एक फ्री सिटीजन है उनको आप स्वे कर लें तो आप असेंबली अप में अपनी मनमानी कर सकते थे तो ऐसे लोगों को नाम दिया गया डैमा डेमा डेमो वही मतलब हुआ अवाम गॉग का मतलब है टंग जबान

बट यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ इट today in इन दैट सेम यू शूड जस्ट नो कि दैट इज हाउ इट वॉज यूज सो अब हम अपनी असल कहानी की तरफ बढ़ते हैं वो ये है कि परजियंस के साथ जो लड़ाई हुई अब मैं परजियन नहीं हूँ मगर मेरा बड़ा दिल करता कि मैं परजियंस की साइड पे रहूँ क्योंकि चलो मैं हाफ़ परजियन तो हूँ ना पाकिस्तानी हूँ तो आपको पता है पाकिस्तानियों परजियंस का बड़ा इन्फ्लुंस रहा क्योंकि जो सौ साल यहाँ पे इस्लाम की तारीख रही है इंडिया में वो दर हकीकत उस इस्लाम की तारीख रही है जो हमने परजियन से सीखा ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम उसको क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्लुएंस रहा है इन द इन साउथ एशिया एम्पायर वगैरह थे जो मुस्लिम एम्पायर ये अरब एम्पायर नहीं थे वो मोहम्मद बिन कासिम आया थे तुर्गिया उसके बाद अरब एम्पायर नहीं यहाँ पे कायम जो ग्रेटर परजियन स्पीकिंग वर्ल्ड है उनके एम्पायर यहाँ पे कायम हुए इंक्लूडिंग परजियन स्पीकिंग सेंट्रल एशियंस मुगल एक्सेट्रा मुगल्स भी फारसी जबान बोलते थे इसीलिए हम बड़ा फख्र करते हैं कि 60 of, uh, in क्योंकि उस जमाने की जो मुस्लिम इलीट थी वो पर्शियन बोला करती थी क्योंकि मुगल जो थे वो पर्शियन बोलते थे ना मजेदार बात तो भारत पर्शियन वॉर्स मैंने वैसे ये बात इसलिए कही था कि आप भी थोड़ा सा फील करें कि साठी गाल ही और शायद थोड़ी फाइव टेन परसेंट ठीक है ना तो फाइव हंड्रेड ईयर बी सी और हेरोडोटस ने इसी पर लिखा और ने कहते हैं, क्योंकि उस जमाने में किसी ने उसको तो चेक करनी नहीं होती थी और किस तरह से हिस्ट्री लिखी जाएगी वे टू चेक इट ऑफ क्रॉस इट और पेयर जर्नल टाइप कोई नहीं तो और बहुत सारी अजीब गरीब किस्म की चीजें हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखी हुई मैजिकल किस्म की चीजें जो कि लोग कहते हैं अब सच नहीं है बट बारह

और पहले पुनि वॉर पे बेसिकली लिखा ने एंड uh, उसके बारे में लिख, लिखता है उस पर कभी किसी ने ये इल्जाम लगाया कि वो सच बोल है बट ऑल्सो भी मार जाता है, है अपनी किताब में लिखता है जनाब अगर मुझे मुकम्मल तौर पर यह नहीं पता था कि किसी ने तकरीर में क्या बात कही खुद लिखता है तो मैंने वो बात लिख दी जो मेरे अंदाजे में उसने कही होगी या नहीं भी अगर कही होगी तो उसको कहनी चाहिए थी आई एम नॉट जोकिंग विद यू वो अपनी खुद किताब में खुद लिखता है कि मतलब सियाको सबाक को मद्देनजर रखते हुए वो ये कहने की कोशिश कर रहा था ठीक है अच्छा यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तारीख में अर्लीस्ट हिस्टोरियंस हैं तो देखें गेट अवे मोर देन हिस्टोरियंस देखे अच्छा सो वट दे ट्राइंग टू डू विच इज डिफरेंट दे वर ट्राइंग टू डू वॉज दे वर नॉट द विल ऑफ ऑफ गॉड्स फेट But they want to examine and explain the conflicts, these wars that have occurred by understanding the politics. ये उनकी great contribution hai to human thinking. क्योंकि अगर आप Greeks को पढ़ें उससे previous period में, मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़ें वो जो जंग थी जिसमें Achilles जिसको यहाँ पे तीर लग जाता है कि लड़ाई होती है, Trojan Wars thank you. Trojan Wars के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो ट्रोजन वॉर्स क्यों होती हैं उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है सच वो है मगर वो छुपी हुई है उसमें ये है कि द गॉड्स आर एट वॉर एंड पीपल आर एट वॉर बट दीज हिस्टोरियंस आर नॉट ट्राइंग टू शो दैट द दर्शियंस एंड द ग्रीक्स आर एट वॉर बिकॉज सम गॉड्स आर एट वॉर गोइंग अंडरस्टैंड द

एंड मेल सेंट्रे के रेस्ट ऑफ़ इट, ठीक है सो कहानी हमारी शुरू होती है पर्शियन वॉर्स के हवाले से माइलिटस से ये बड़ा मशहूर शहर है इस वजह से क्योंकि जो ग्रेट फिलोसोफर्स, ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो यहीं पे थे and, and, and and, uh, uh, जो, uh, थे प्रीसोक्रेटिक फिलोसफर्स थे उन्होंने यहीं से शुरू किया था तो ये वही वाला शहर है अच्छा ये शहर जो था ये आज के टर्की में है टर्की में ग्रीस में नहीं है ये ग्रीक शहर था मगर टर्किश एरिया में ठीक है समझ गए मगर इसमें रहते ग्रीक्स थे और ये आ गया पर्शियंस ने इसको फतह कर लिया और फतह करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप अपने मुकामी मामला जिस तरह चलाना चाहते हैं आप चलाए हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते बाय द वे पर्शियंस वर ऑलवेज लाइक दैट जब वो किसी एरिया को कॉन्कर करते थे वो ये कहते थे आपने हमें टैक्स देना इतना बाकी आपके अंदर अंदरूनी मामला जो है ना वो आपके हैं ना हम आपको ये कहते हैं कि आप अपना रिलीजन चेंज करें ना हम आपको ये कहते हैं अपनी पॉलिटिक्स चेंज करें कुछ ना करें जो मर्जी करना करें आपका और आपका मामला हमें सिर्फ एक चीज चाहिए आपसे ओबीडियंस एंड टैक्स ओबीडियंस का मतलब ये है कि जब शहन आपको ऑर्डर करे कि अब इतने फौजी भेजो कि हमने जाके वहां पर फतेह करना है कुछ है, तो आपने भेजना है ठीक है सो एंड ऑफकोर्स लॉयल्टी आप दुश्मनों का साथ तो नहीं दे सकते सो एथेंस ने यह फैसला किया कि जब माइलीटिस ने बगावत कर दी परज के खिलाफ तो उन्होंने कहा हम भी उनको सपोर्ट करते हैं उन्होंने अली बीस अपने जंगी जहाज भेज दिए तो उनको सपोर्ट करें देर यू कैन सी दर राइट अक्रॉस इच अदर इन द सी तो परशियंस को तप चढ़ गई उन्होंने कहा तेरी ऐसी तैसी आप इनको नहीं हम छोड़ेंगे तो यहां से वो पूरा आइडिया शुरू हुआ कि किस आर डिस्पोटिक एंड ग्रीक्स आर फ्रीडम लविंग वॉज इट एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट वॉज इट एन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट अ पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ने फिर इन्वेट किया डायरी इज द फर्स्ट इनवेटेड इन फोर मगर लक वॉज नॉट ऑन ए साइड एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसकी जो शिप्स थी वो खराब हो गई तबाह बर्बाद हो गई उसको वापस जाना पड़ा 491 में उसने ये कहा कि बंबे बांध जाओ इन पैसे मैंने दे दो मैं फिर अगे नहीं वो कहते हैं ना किसने कहा स्टेट इज अ रैकेट उसने कहा जी अगर आप बात मान जाएंगे तो फिर हम जो है आपको तंग नहीं करेंगे तो उन्होंने अपने एंबेसडर भेजे जब उन्होंने एंबेसडर भेजे तो एथेंस ने भी उन एंबेसडर्स को मार दिया और स्पार्टन्स ने भी उन एंबेसडर्स को मार दिया आपने उस स्पार्टा वाली फिल्म दे 300 वाली देखी होगी उसने उसको ठुड्डा मारा और वो वेल में गिर गया देखा था आपने ओ दिस इज पार्टा का हिट दैट सीन um सो सो उन्होंने एंबेसडर ही मार दिए

मैराथन से भाग के जो एथेंस वापस और उनको जाके बताओ कि हम जीत गए वो भागा भागा गया भागा भागा गया, भागा कम से कम जब वो एथेंस पहुंचा जीत गए उसने ये कहा और उसके साथ ही वो गिर गया और मर गया आई एम नॉट जोकिंग वो मर गया और उसके बाद से वो एक नई स्पोर्ट इजाद हुई जिसको हम कहते हैं द मैराथन रेस, जी हाँ है ना मजेदार बात तारीख की दिलचस्प बातें तो स्पार्टन्स जब तक पहुंचे तो उस वक्त मसला ही खत्म हो गया था उन्होंने कहा ताने दिए उनको तुम बड़े आते हो वॉरियर्स बनते हो और कुछ किया ही नहीं तुम लोगों ने सो तो, एथेंस को अब जो है ना जरा जरूर आ गया कि हमने पर्जियंस को हरा दिया तो छोटी बात नहीं थी पर्जियंस सुपर पावर थे तो उन्होंने वो बड़े मगरूर हो गए उन्होंने कहा कि हम अब एम्पायर अपना पूरा बनाएंगे अब हम जो है ना ग्रीस के ऊपर और ग्रीस के खास पे, के इर्द इर्द गिर्द गिर्द अपना एम्पायर बनाएंगे लो जी अब उसका बेटा आया डेरियस का जिसका नाम था जर्सीज ये असल वो जो पीछे बनाया हुआ था हॉलीवुड वाला एक सेकेंड उसको भी देख ले जरा ये ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उस जमाने के अंदर दाढ़ी रखना लंबे बाल रखना ये तो निशानी थी ज्यादा से ज्यादा बाल रखना to be as hairy as possible, वैक्स वुक्स कोई नहीं करते थे उस जमाने के अंदर तो टू बी एज हेरी एज पॉसिबल साइन ऑफ मैस्कुलिनिटी जैसे बब्बर शेर हो कोई तो ये दोनों ने वैक्स किया हुआ मतलब दिस इज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता ये जी

तो उनकी नेवी भी नहीं जीत सकी और उनकी लैंड फोर्सेस भी नहीं जीत सकी बड़े शौक हुए और यहाँ पे एक ऐसी जंग हुई जिसमें ग्रीक फोर्सेस ने रिट्रीट करना था तो लियोनाइडस जो कि एक स्पार्टन वॉरियर किंग था उसने 300 अपने बेस्ट सोल्जर्स को लेकर एक छोटी सी पास में पर्शियन आर्मी को ब्लॉक किया ऑफकोर्स ऑल थ्री हंड्रेड इवेंचुअली डाइड ही ब्लॉक दम लॉन्ग एंड

वो बाइनरी जिसका मैंने जिक्र किया ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाली बाइनरी डिस्पोटिक ईस्ट वर्सेस डेमोक्रेटिक वेस्ट का एक पूरा डिस्कोर्स पैदा हुआ आप इमेजिन कर सकते हैं तीन बड़ी बड़ी जंगें हुई कई डेकेड्स तक सकी जंगे चली तो जंगों के नतीजे में जो नरेटिव बनते हैं वॉर नेरेटिव बनते हैं उसमें ये नेरेटिव था और इस नरेव और हेराडिट्स क्योंकि उस पीरियड का पहला ग्रेट हिस्टोरियन था तो जितने बच्चे फिर उसके बाद आए उन्होंने हेराडिट जरूर पढ़ा जितने जितनी इंटलेक्चुअल बेसिक रीडिंग लाइक पाकिस्तान स्टडीज के इस्लामिया सब पढ़ते थे तो उसका बहुत ह्यूज जिसको कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल फुटप्रिंट पैदा हुआ इस थॉट प्रोसेस का और इसी पर एडवर्ड सईद ने अपनी किताब भी लिखी ओरिएंटलिज्म, जिसमें वो ये कहता है कि ये जो नैरेटिव बनाया गया है कि ये वेस्ट बड़ा इंडिजुअल individual, इंडिविजुअलिटी को पसंद करता है फ्रीडम लविंग है और ये हैं और वो हैं और फलाने और ईस्टर्न जो है वो बड़े कम्युनलिस्ट हैं और बड़े कम्युनिस्ट uh, you know, कह लो है जो भी नॉन एंटी इंडिविजुअल हैं और एंटी फ्रीडम है और एंटी ये हैं और एंटी वो हैं और एंटी है है जो भी तो वो सारा डिस्कोर्स यहाँ से शुरू होता है यहाँ ख़त्म नहीं होता यहाँ से शुरू होता है इट वुड एफ डाइड एक्सेप्ट दैट सम समीज वॉर्स कंटिन्यूड आफ्टर दिस वॉर वॉर्स एक्सेट्रा दट कंटिन्यू बेजेंटीन एम्पायर वर्सिज दर्जिय वो कई नो uh, सेंचुरीज you know, uh, तक वो जंग चलती रही फिर इस्लामसेट you know, वो चलती रही अब यू नो एरबिज्म वो चल रही है तो वो फीड होता रहा बार 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 वो फीड होता रहा वो ही नेरेटिव आगे मजीद डेवलप होता अच्छा ग्रीकट वन दॉर फिर उन्होंने फैसला किया अब क्या करें उन्हें ऐसे करते हैं, आपस में लड़ते हैं <laughs> उस जमाने में ये कोई तस्वर तो नहीं था जिस तरह आप लोगों का तस्वर तो है कि no, no, no. cool, so ने फिर डेलियन लीग बनाई और दूसरी तरफ कॉरेंथ और स्पाटा ने अपनी लीग बनाई जिसका नाम पेलोपनी लीग था और उन्होंने 27 साल वो आपस में लड़ते रहे माशाल्लाह माशाल्लाह और uh, 431 के अंदर वो जंग शुरू हुई यह जैसे यहां लिखा है 404 तक चली और ये आप देख सकते हैं कि पीले के अंदर ये एथेंस का नया एम्पायर है और आप देख सकते हैं ये नेवल एम्पायर है नेवी से उन्होंने उसको बनाया और ये आप देख सकते हैं कि ये स्पार्टन्स वगैरह की का यू नो के अलाiances है ठीक है तो इस पे फिर uh, 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 जिस बंदे ने लिखा उसका नाम है थ्यूसिडाइड्स एंड Athens was very clever in the way that it fought the war. Or Thucydides, but it's shocking that despite the fact that the Athens had a democratic constitution, democratic inverted commerce, because I've shown you that what we mean by democracy and what they mean by democracy are two very different things. But despite that, that, they were very effective in this war for a very long time. So, what are some of the key passages of Thucydides? Subsepele, um, the funeral oration of Pericles. एथेंस को एक पॉइंट पे रूरल uh, एरिया से रिट्रीट करके अपनी वर्ल्ड सिटी के अंदर जाना पड़ा ये उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जब दूसरी uh, मुखालफी ने रूरल एरिया को टेक ओवर कर दिया उन्होंने स्टेट्स उन्होंने यू नो क्रॉप्स हार दी वगैरह पीरियड ऑफ ग्रेट हार्डशिप फॉर द एथीनियंस नो डाउट सो दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीज सो पेरेक्लिज मेक्स अ स्पीच देयर व्हिच बिकम्स वेरी वेरी की

Uh, क्या नाम है उस बाबे का इब्राहिम uh, लिंकन ने अपनी गेटिसबर्ग एड्रेस भी इसी तकरीर पे मॉडल किया था तो बाबा मेरा बड़ा फेवरेट बाबा मैं प्यार से कहता हूं डाउन लिंकन मेरा बड़ा फेवरेट है येट इवन दो देर आर इक्वल राइट फॉर ऑल इन प्राइवेट डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद एवर ईच मैन हैज रेकेशन ही इज आउट फॉर पब्लिक सर्विस इन अकॉर्डेंस विद्लेम ऑफ डिस्टिंक्शन नॉट बाई रोटेशन बट बाय मेरिट

यानी रूल ऑफ लॉ यहाँ चलता है हम खुद ब खुद किसी को खंजर नहीं मार देंगे क्योंकि वो हमारी पेंसिल उठा के ले गया है We do not say that a man who takes no notice of politics is a man who minds his own business. We say that he has no business here at all. अगर आप सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते तो आपको दफा हो जाना चाहिए एथेंस से ही जो बंदा सियासत में दिलचस्पी नहीं लेता वो सिटीजन ही नहीं हो सकता दैट्स कॉल्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बट जबरदस्ती

the whole earth is the tomb of famous men, and famous men were obviously men who were macho and who did war and so on and so forth. There was no famous man who was not a warrior, etc. Well, they were, but you get the point. That's what they admired the most. Military expansion was central to Athenian democracy. So, if you think that peace are no, ancient Greeks did not think that was the case. Neither was there this kind of idea even in their minds that there was a contradiction between the two. Women, कहते है उनको योर योर ग्रेट थ्रू कीपिंग द स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक नेचर अपनी फितरत से बाहर होने की कोशिश ना करें आप एंड इफ योर द लीस्ट सर्कुलेशन यानी कि कोई आपको जानता ही ना हो मर्दों में तो ये सबसे अच्छी आपके लिए बात है वेदर फॉर वर्च्यू और इन ब्लेम नो बड़ी शुड इवन नो हु यू आर बिकॉज यू शुड रिट्रीट इन टू योर होम्स एंड यू हैव नो पब्लिक यू हैव नो रोल इन पब्लिक लाइफ सो अब क्या हुआ कि एथेंस ने ये फैसला किया कि ये एक सिटी थी मिलोस आपको यहां पे नजर आ रही है तो उन्होंने ये कहा कि ये मिलोस जो है ये स्पाठा के साथ जुड़ी हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम स्पाटा को छोड़ दो हमारे साथ आ जाओ दिस इज द दिसकेंड पैसेज दैट्स वाइडली रेड सो एथेंस ने तड़ी उनको ये लगाई कि हम हर बंदे को जो एडल्ट आर्म्स बेरिंग एज का मर्द है उसको हम कत्ल कर देंगे और तमाम बच्चों और औरतों और को हम गुलामी में बेच देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो एथेंस का पॉइंट ऑफ व्यू थ्यूसिडाइडीस सुसीडिस हमें ये बताता है वो ये था द स्ट्रांग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक एंड्योर हालांकि वो डेमोक्रेट्स हैं मगर गौर कीजिए प्रीवियसली द स्पार्टन्स हैड कैरीड आउट द सेम मेजर्स अगेंस्ट लेस्पास इन 426 स्पार्टन्स ये कर चुके थे सारे मर्द जो हैं इस सिटी के मार चुके थे औरतों और बच्चों को गुलाम बना चुके थे कितने अच्छे लोग थे है ना कितना हम उनको एडमायर करते हैं आज मगर ये वो लोग यानी कि जेनोसाइड वगैरह करना ये कोई ह्यूमन राइट्स अब्यूज वगैरह वगैरह ये कोई मसला नहीं था तो अपील टू तो सेल्फ इंटरेस्ट सेंस ऑफ जस्टिस उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमें मार देंगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे इसलिए आप प्लीज हमें ना मारें और उन्होंने ये कहा कि भाई आप जस्टिस में डेमोक्रेसी में इन चीजों में बिलीव करते हैं तो आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते हमारे

मगरूर हो चुका ये भी कर लिया था उन्होंने हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल साइंस सो ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड इंटरेस्टिंगली बिट्रेड एथन टू स्पाटा पहले एथन को छोड़ के स्पाटा चला गया Uh, in 415, then betrayed Sparta to the Athens for Vapasagia. And in the Middle Age, was dangerous enough for the Spartans to persuade the Persians to murder him in 404. Brilliant Army horse trading, he came to symbolize the, the way a clever, glamorous, and unscrupulous demagogue could play on the susceptibilities of gullible ordinary folk with disastrous consequences all around. But there's no doubt at all that he was a very, very skilled general. क्या उसके खिलाफ चार्ज था ब्लास्टमी जी हाँ क्योंकि वो बड़ा स्किल्ड जनरल था तो लोग अगले दिन जंग सुबह जंग होने लगी है और उसे कहानी नहीं तो पहले तुम्हारे पे इल्जाम लगा कि तुमने ब्लास्टमी कमेट किया तो उनका एक कल्चर था सिंबल और उसको किसी ने डेसिक्रेट किया था अराउंड

अपने टॉप टेन को ट्रायल किया और एग्जीक्यूट मार दिया। और मारा क्यों? क्योंकि के के जंग कर रहे थे उस जंग के अंदर कुछ लोग पानी में गिर गए और उन्होंने वोडेड वगैरह और उन्होंने उनको रेस्क्यू करके निकाला नहीं उन्होंने कहा तुमने हमारे लोगों को वहां पर छोड़ा उनको रेस्क्यू करना चाहिए था ऑफ विद योर हेड ये बड़ी कॉस्टली मिस्टेक थी क्योंकि

फाइव हंड्रेड सिटीजन ऑफ एनी सेन इथीनियन पॉलिटिक्स तो इमेजिन करें पहले चालीस हजार बंदा कोई ना कोई रोल प्ले करता था अब उन्होंने कहा कि जी सिर्फ पांच सौ लोग जो है वो चलाएंगे मुल्क को सॉरी शहर को अलाउड ओनली वेल्डिसाइव थाउजेंडीज राइट टू बी ट्राइड बिफोर जूरी बाकी जो लोग हैं उनको जूरी ट्रायल भी नहीं मिलेगा हमारा दे चाहिएगा मार देंगे एंड मर्डर्ड न्यूमरस अपोनेंट्स विदाउट द फॉर्मेलिटी ऑफ अ ट्रायल और वो ये भी करते थे कि अगर उनके खिलाफ कोई बात करें तो वो पहले ये पास करा लेते थे, थे अपने काउंसिल से कि ये सिटिजन ही नहीं है। जब वो सिटीजन ही नहीं होता तो उसको मार देते थे तो अगर फोर और, में जाके थर्टी की हुई। और एक मॉडरेटेड फॉर्म ऑफ थीनियन डेमोक्रेसी वापस आई और उन्होंने बहरहाल टैरेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया उन्होंने कहा कि दफा हो जाओ तो दफा हो गए उन्होंने मारा नहीं तो मगर ये जो नई डेमोक्रेसी आई इसमें एक बंदा था जिसका नाम था सुकरात मोटू सा था और ए, ए, उसके बारे में कहते हैं कि क्लासिक जो रोमन खूबसूरती थी वो उसमें कोई नहीं थी <laughs> और सारों को जाके तंग करता रहता था चोगा आप उसने पहना हुआ देख वो वैसे सारे ही पहनते थे आप गौर कर लें वो जाके कोई ना कोई बेचारा बैठ के अपने सोशल मीडिया पे कर रहा है हेलो क्या हाल है उसके पास पहुंच जाता था उसे कहता था क्या कर रहे हो वो कहता था जी मैं पोट्री कर रहा हूँ

गिराता था पर सोक्रेटीज बाय पॉइंटिंग आउट दी इंटरनल कॉन्ट्रोडिक्शन वो उसको बिल्कुल हैरान करता सो so, है तरह करके क्वेश्चन करता था, at, अच्छा, like था। नहीं, नहीं आपने लिखना है। <laughs> ये ना हो गया आप कह सर सोक्रेटिस भी नहीं लिखता था मैं क्यों लिखूं सोक्रेटीज थॉट राइटिंग वेरेबल क्योंकि वो मेमरी खराब कर देती है मैं तो बस बात करूंगा तो उसका जो प्यूपल था शिगिर्द आप जैसा कोई आदमी खातून उसने फिर सोक्रेटिस के आइडियाज लिखे और उसका नाम था यस थैंक यू उसका नाम था प्लेटो और इस तरह सोक्रेटिस के आइडियाज हमारे तक पहुंचे अफलातून के जरिए तो बहरहाल वो ऐसी चीजें बता रहा था लोगों को ऐसी बातें कर रहा था कि 399 बीसी में उसको ये उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद उन्होंने ये कहा कि आ यू आर डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स एंड करप्टिंग द यूथ तो आप बाज आ जाए वरना थोड़ी ऐसी तैसे

तो लोगों ने कहा कि सोक्रेटीज माफी मांग लो कुछ छोटी मोटी सजा मिल जाएगी कोई बच जाओगे माफी मांग लो तो जब सॉक्रेटीज से पूछा कि हांजी उनकी हो तो सॉक्रेटीज का जवाब यह था कि <coughs> मेरा ख्याल है कि एथेंस के लोगों को मुझे वजीफा देना चाहिए दे शुड रिवॉर्ड मी फॉर थिंग्स आई एनीथिंग एल्स इमेजिन oh, लोग इतने गुस्से में आ गए उसके बाद कि जो उसको थोड़े बहुत जिन लोगों ने वोट दिया था कि नॉट गिल्टी उन्होंने भी वोट दिया कि इसको मार यस yes! मगर फिर भी एथेंस का रूल था कि वो चॉइस देते थे वो कहते थे या तो मर जाओ खुदकुशी हेमलॉक जहर पी के या तो आ, जहर पी लो और मर जाओ या फिर दफा हो जाओ एथेंस से निकलो

जिस तरह हमारे हमने उनके बारे में लिखा है द गॉड्स हैड टू बी ऑल ऑल वाइज नोइंग बट द पोएट्स स्पेशली होमर है एलियट में जिस तरह से गॉड्स को डिपिक्ट किया हुआ है उसमें वो अडल्ट्री भी कमिट करते हैं मर्डर भी करते हैं गुस्सा भी खा जाते हैं माफी भी नहीं देते वेन भी हैं सेंटिमेंटल भी हैं फूलिश भी हैं ये खुदा ही नहीं हो सकते इस पर उसको सजा दी गई थी ही so सो uh, so, तो उसको भी ब्लास्वी लॉज पे ही बेसिकली सजा दी गई थी जिस तरह पहले अल्सबाइडीज का किस्सा को सुना चुका

अपने प्रिजन में वो बैठा हुआ था और उसके जो करीब तरीन स्टूडेंट्स थे इंक्लूडिंग प्लेटो एंड जे, जेनेफो एंड अदर्स एक्सेट्रा वो साथ बैठे हुए थे और वो रो रहे थे आप तो खुश होएंगे शुक्र है तैमूर रहमान तो जान छटी मगर वो रो रहे थे कि यू नो ये हमारा उस्ताद है इसने हमें इन्लाइटनमेंट दी है और उसने कहा क्यों तुम रो रहे हो ऐसे ही है अपना दिल हल्का करो कोई मसला नहीं है और उसने आराम से पहले नहाया धोया उसने कहा कि फिर बाद में मैं जब मर जाऊँगा तो आपको धोना पड़ेगा तो आसानी है मैं खुद ही ना ले लूं ठीक है ना तो उसने नहायद होया तैयार हुआ काम ली उसने प्याला जहर दा प्याला चुकया और फिर आराम से वो लेट गया और ऐसा ऐसा obviously his body started to give away चादर उसने अपने सर पे ली एंड हिज मार्टर्डम हिज एग्जीक्यूशन हिज कोटन कोट ज्यूडिशियल मर्डर किक स्टार्टेड अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट जो कि फिर अफलातून ने जो राइटिंग लिखी

तो ये फिर वो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन किक ऑफ और स्टार्ट हुआ आई एंड माई लेक्चर थैंक यू